कल वाला एपिसोड ओए होए होए भाई, हलीमा सुल्तान को देखा आपने कल वाले एपिसोड में कैसे काटदार काट रही थी भाई इतने बंदों को, ओए होए होए डायरेक्ट दोनों। फिर पहले तो हलीमा सुल्तान अर्तुरुल अर्तुरुल अर्तुरुल, उसके बाद जब हलीमा सुल्तान को वो बंदा डायरेक्ट ऐसे मारने वाला था और उधर से अर्तुरुल भाई ने डायरेक्ट उसकी गर्दन में डायरेक्ट मारा ठाड़। ओए होए 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 भाई, देखा आपने वो सीन, मतलब क्या जबरा सीन था। फिर उसके बाद हलीमा सुल्तान और अर्तुरुल भाई ने आंखों में आंखें डाल के इशारे करके दोनों ने मिल बांट के काटे भाई बंदे। ओए होए नजारा आ गया, नजारा सच में नजारा आ गया। आप सोच रहे होगे मैंने टोपी क्यों पहनी है, टोपी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि आज मेरे बाल बहुत ख़राब हैं और इस वजह से मैंने टोपी पहनी है। चश्मा मैंने नहीं पहना और मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, बिना चश्मे के मैं थोड़ा सा अंधा हो जाता हूँ, बट अल्लाह के करम से कुछ कुछ दिखता है मुझे, बट ठीक है देखेंगे हम। एंड बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि अर्तुरुल भाई पहुँच गए हैं पूर्णिया और अर्तुरुल भाई जब एरिस को सुल्तान के सामने पेश करेंगे या फिर सुल्तान को वो मकतूब दिखाएंगे कोपू का, तो कोपू की क्या हालत होगी, मजा आने वाला। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए लेके आए एक और बेहतरीन पेशकश बाय डिरिलिस अर्तुगरुल सीजन 4 एपिसोड नंबर 42। बहुत बेहतरीन एपिसोड होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बामसी गुस्से में है मेरा भाई टुजगुज भाई से, ओए होए होए तुरगुज भाई से गुस्सा है मेरा भाई। आप सोच रहे होंगे मैंने चश्मा पहन लिया है दोबारा, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था, कोई फायदा नहीं होगा इसलिए पहना है। काश इसके जैसे बाल होते मेरे, काश, बट शुक्र है अल्लाह का बाल तो है। अर्तुरुल भाई एंड हलीमा सुल्तान, उसी जहर में मुझे तीर से जो संदूक में
माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है यार ये सच में यार माशाल्लाह ये कौन है अब्दुल रहमान भाई क्या बात है करो जैसा आपका मालिक खलीफा खजाने में जमा करवा दिया भाई ये बहुत अच्छा हो गया अब्दुल रहमान तुम आज ही लोगों में और अमीर निजामुद्दीन के बारे में जितना हो सके मालूमात हासिल करने की कोशिश करो पहले इसका क्या करना है भाई उसे महल कब ले कर आना है हमें जब मैं तुम्हें कहूंगा उस वक्त लेकर आना अब्दुल रहमान उससे पहले अमीर निजामुद्दीन का घर ढूंढने की कोशिश करो उनके बच्चे उनके रिश्तेदार उनका खानदान जो भी मिले उसे ढूंढो और जितना भी मुमकिन हो सके उनके बारे में मालूमात हासिल करके मुझे मकबरी खातून अमीर सलाउद्दीन सुल्तान को जिस तरह कत्ल करने पर आमादा हुआ उसी तरह एक अमीर की भी जान ले चुका है अर्तुगरुल वो कुछ भी कर सकता है मालूम है हलीमा सब मालूम है मुझे बहुत डेंजर चाले चलता है भाई कोपू कसम से सुल्तानपुर मुझ पर होने वाले कातिलाना हमले के पीछे किसका हाथ था ये जानने से पहले उसे मौत के हवाले नहीं कर सकता मैं सुल्तान ने गद्दार को पहले ही शनाख्त कर लिया है अर्तुगरुल साहब और मैंने सुना है कि गद्दार अमीर निजामुद्दीन ने जिंदान में ही बासारी खुदकुशी कर ली उसने अपने किए की सजा भुगत दी वो सियाह बाब अब बंद हो चुका है अभी और बहुत से लोग बाकी हैं जिन्हें शनाख्त करके हिसाब लेना है और फिर उनके सरों को तन से जुदा करना है इंसानियत मेरे लिए ये किताब अभी बंद नहीं हुई है सुल्तान के हुजूर पेश होने पर बहुत कुछ है मेरे पास उन्हें बताने के लिए इजाजत चाहूंगा इजाजत है आपको तो फिर आपका कहा जाने के लिए सब्र का घूट पीना होगा पियो सबर का घूट पीना रे घूट 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 पीना इसको सबर का सबर तो है कॉमेडी है ये बड़ा गोल मटोल गटोले खा ये अभी इसने वो नहीं पहना वो यानी उसे ऊपर ऊपर सच में अमीर निजामुद्दीन के खानदान से तुम्हारी कोई बात हुई अब्दुल रहमान नहीं भाई अमीर निजामुद्दीन के बच्चों
واحد شخص. यार इनके दूसरे बेटे कब आएंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ. अरे क्या बात है, सब साथ में गाना गा रहे हैं, गुस्सा क्यों है? इस तरह साथ बैठना और मिलकर खाना बहुत अच्छी बात है. बिल्कुल. अल्लाह हमारे कबाइल का इत्तेहाद इसी तरह हमेशा मजबूत रखे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. बैठो बैठो पंपसी बाबू. सही बात है. अर्तुग भाई सही चीज़ बताएंगे और ये मानेंगे भी इंशाल्लाह. सुकून से बैठ के खाना खाओ, समझते नहीं हैं ये लोग. लड़ाइयाँ करते हैं अपने घर में. ये देखो मखबरी लोमड़ी. सुल्तान जमजू लेके चलते हैं. ये मकबरी मैडम जमजियाँ फीमेल जमजू लेके चलती हैं. अगर गद्दार था
تو ملے جنگ کے زمیندار اور بادشاہ کو اس میں تحریر کرتا خود خود کو وہ اپنے گھر میں کیوں چھپاتا کماتا دماغ نہیں لگاتے یہ لوگ ارطغرل بھائی بیچ بیچ میں ایسا بہت کرتے ہیں نا دیکھا آپ نے کبھی کبھی نوٹس کرنا بہت بیچ بیچ میں بڑا کرتے ہیں ایسا جب تھوڑا سوچ میں ہوتے ہیں تھوڑا سوچ رہے ہوتے ہیں دیکھا اب ان کی لگے گی ارے مقبری میڈم ادھر ادھر دیکھ رہی ہو سلطانہ ہے وہ سلطانہ ایسا نہیں ہے وہ حلیمہ سلطان ہے وہ شاہی خاندان سے تعلق ہے وہ بسم اللہ کیجئے یس چڑھا رہی ہے سچ یہ ہے کہ میرے بابا کو استعمال کرنے والوں کی فہرست میں آپ کے بابا بھی شامل تھے لیکن ہم کامیابی سے آپ کے گلے سے نکل گئے اب یہ سب ماضی کا حصہ بن چکا ہے میرے بابا کے عظیم قلعے کو سلطان علاؤالدین نے فتح کیا تھا اور اب میں ان کی زوجہ ہوں انہیں میں نے فارس دیا میرا فرزند شہزادہ غیاث الدین زندگی میں کتنی عجیب ہے حلیمہ خاتون دیکھو تو ذرا سلطان کے سب سے بڑے دشمن میرے بابا کا نواسا کون جانتا تھا سلجوق سلطنت کا فارس بنے گا کون کس کی بات کر رہی ہے پاپا اعظم کی بیٹی ہے کہ بتاؤ یار مجھے تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے یہ سلیبی تھی کیا دوسری خاتون سے تمہاری دوستی کا
खाना खाइए अच्छे से, परेशान मत करो हलीमा सुल्तान को हमारी मखबरी। ये देखो वही जलवा देना। मजे ले रहे हैं लोग। हमारे बमसी भाई ने बोला था तुरगुल भाई को, तुरगुल भाई सुन नहीं रहे, और ऊपर से असलीहान खातून भी ऐसे ही बोल रही है। हद होती है यार किसी चीज की। बहुत ज्यादा लालची है। मैं तो बोलता अर्तुगरुल भाई आप सुल्तान बन जाओ बस, छोड़ो इनको, लोग को क्या है, लड़ नहीं आता बस। सही बात है। हम ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अब मैं अपने मकसद के हुसूल तक रुकने वाला नहीं। रज़ा इलाही। सीजन 4 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो गया?
सबसे बेहतरीन कोशिश की आपने, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा, डोंट वरी। मेरे पास आपके लिए खबर है। कुछ अरसे से महसूस कर रही थी मैं, लेकिन यकीन होने से पहले आपको बताना नहीं चाहती थी, मगर अब यकीन है मुझे। हम साहिबे औलाद होने वाले हैं, पापा बनने वाले हैं आप। क्या क्यूट लग रहा है ना वमसी। और रे बाप रे, को लगा बंदूक बंदूक उठाई गया उसने। अरे इसको क्या हो गया, ये गुस्से है Ertugrul भाई से। कोपो, क्या बात है कोपड़ू। खस रही है, दाढ़ी बढ़ रही है उसकी। अरे सुल्तान नहीं, सुल्तान कहाँ, अजीज है। सुल्तान अलाउद्दीन क्या बात, तशरीफ ला रहे हैं।
अर्तुरुल भाई क्या लग रहे हैं ना कसम से। अरे बाप रे, वो साथ में खड़ा रहे, माशाल्लाह। ये देखो जल जाता है। क्या बात है, माले गनीमत, पांचवा हिस्सा सुल्तान की खिदमत में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। दो दो टैची हैं भाई। माशाअल्लाह, क्या फरमान है मुझे भी बताओ। हफ्सा खातून आप लोगों को रुकना पड़ा, कैसी बात।
सच में हमला कर रहे हैं भाई, और ये इनके साथ वही गंदे बंदे हैं ना। बेचारी लड़कियां यार। इसकी मौत का फरमान है, इसकी फट रही है। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन ऑन ड्रिलिस एर्तुगरुल सीजन 4 एपिसोड नंबर 42। बहुत बेहतरीन था, अभी देखने वाला सीन है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि एर्तुगरुल भाई सुल्तान के सामने हमारे कोपू की पोल खोलने वाले हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस, थैंक यू सो मच for watching this video. If you like our video, please like, share and subscribe it. To milte hain agle video. Shabak hai, bye bye, take care, see you.